हम तुम और स्वास्थ्य। नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है हम तुम और स्वास्थ्य। आज का हमारा टॉपिक है पेन मैनेजमेंट और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी और डॉक्टर विद्या राव जी। और चर्चा के बीच हमसे बेल्जियम से भी एक एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर उदय, वेलकम डॉक्टर विद्या। नमस्ते। तो डॉक्टर्स, जैसे हम देखते हैं कि आजकल लोगों की लाइफ बहुत पेसी हो चुकी है, तो इस पेसी लाइफ को जीते हुए उन्हें बहुत सारे पेन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सर दर्द हो गया या पैरों में दर्द हो गया, पीठ दर्द हो गया। बिल्कुल। तो जैसे ये दर्द अलग अलग है, क्या उसके कारण भी उतने ही अलग अलग है? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर उदय? जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर में कहीं भी कुछ फर्क हो रहा है, शरीर को कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि जो शरीर सह नहीं पाता, तो वहां पे एक सिग्नल आ जाता है जिसे घंटी बजती है। तो ये घंटी बजना यानी पेन, शरीर अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है, मेरे यहाँ पे अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा, आप समझो और इसके ऊपर कुछ करो। तो सर से लेके पांव कहीं पे भी शरीर में सिग्नल देने की एक यंत्रणा है जिसे हम लोग पेन कहते हैं, और ये पेन आपको कुछ गड़बड़ है ये सिग्नल देता है। आयुर्वेद में ऐसे 360 सिग्नल्स यानी 360 तरीके के पेन बताए गए, और आज अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें पेन के अलग अलग कारण भी बताए हैं। जैसे सर दर्द है तो वहां पे शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, फिर अंदर ज्यादा प्रेशर है, उसके साथ में कहीं पे गर्दन में किसी को तकलीफ है, किसी को कंधे में तकलीफ है, किसी को पेट में तकलीफ है, किसी को एसिडिटी हो गई, इन सब से सर में दर्द हो सकता है। ऐसे ही आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये किस चीज से है? तो कभी वो अपेंडिक्स से हो सकता है, कभी किडनी स्टोन से हो सकता है। चेस्ट में दर्द चल रहा है तो शायद आपके हार्ट की वजह से है, सांस की वजह से। तो ऐसे कई लक्षण है कि जो पेन के तरीके से आपके सामने थे और जो किसी दूसरी चीज की वजह से भी हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पेन 360 तरीके के आयुर्वेद में जो बताया है उससे और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इन सब पेन्स का मतलब है कि मेरे तरफ ध्यान दो, मेरी आवाज सुनो। जैसे कि आपने अभी बताया कि ये जो पेन्स होते हैं वो एक प्रकार की घंटी होती है, एक प्रकार का सिग्नल होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ चेंज हो रहा होता है। तो डॉक्टर विद्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके लक्षण ये सर दर्द या पैर दर्द हो सकता है? अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन सब में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है पेन या पीड़ा। और पीड़ा के भी जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें है कुछ क्रॉनिक, कुछ एक्यूट। तो जो क्रॉनिक है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि बोन्स की बीमारियां है, या कंधों का दर्द है, या घुटनों का दर्द है, जो बोनी एरिया के हैं वो शायद क्रॉनिक में चले जाते हैं, लेकिन एक्यूट में जो है उसको आपको मैनेज करना तुरंत जरूरी होता है, क्योंकि एक्यूट पेन इन एब्डोमेन या रीनल कोलिक, ये सब जो पेन है उसकी तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर तभी हम लोग उनको ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट वो सह नहीं पाता और उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर उदय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि पेन होना यानी दर्द होना, इसमें सभी को तकलीफ ही होती है, तो क्या सभी प्रकार के पेन ये बुरे ही होते हैं? जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पेन यानी अंदर कुछ हो रहा है उसकी एक सूचना है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि लोगों को दर्द चाहिए। अगर मैंने ऐसे कहा कि एक ऐसा दर्द है कि जो एक लड़की चाहती है, तो वो दर्द है डिलीवरी पेन। जैसा हम लोग जानते हैं कि उसके बाद में जो प्रसव वेदना, इसे कहा जाता है कि एक ही दर्द ऐसे है कि दुनिया भर की सब औरतें चाहेंगी कि ये दर्द मुझे एक बार तो जिंदगी में हो। दूसरा एक ऐसे दर्द है
कि जो पेशेंट तो नहीं चाहता लेकिन डॉक्टर्स चाहते हैं, जैसे कैंसर का दर्द, अगर कैंसर में दर्द है तो पता चलेगा अंदर कुछ हो रहा है, नहीं तो वो दर्द अगर देर से आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं बहुत देर होगी। हार्ट का पेन, जैसे हार्ट में अगर वहां पे कुछ तकलीफ है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो अगर दर्द आपने जल्दी पहचान लिया तो शायद आप उस पेशेंट को जल्दी बचा सकते हैं। हड्डियों का टूटने का दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो हर चीज में पेन ये डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए पेन ना होना ये कभी कभी हमें बुरा लगेगा कि अरे पेशेंट को दर्द होता है तो डॉक्टर को अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि कहीं पे एक प्रॉब्लम चल रहा है, इसे हमें रोकना है। तो इसके लिए दर्द डॉक्टर के हिसाब से एक सिग्नल है, और ये सिग्नल अगर जल्दी से हम लोग पहचान पाएंगे तो उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से। तो इसके लिए टॉपिक पेन रिलीफ या पेन कंट्रोल से भी ज्यादा हमें पेन मैनेजमेंट का रखना। डॉक्टर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पेन मैनेजमेंट, तो कई बार लोगों को पेन हो जाता है और वो चाहते हैं कि उन्हें तुरंत रिलीफ मिल जाए, तो ऐसे में लोग पेन किलर ले लेते हैं, तो पेन किलर लेके ये टेम्पररी रिलीफ पाना कितना सही है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुरंत असर किसी को भी चाहिए, आज अगर किसी के पास भी समय नहीं है रुकने के लिए, हर एक चाहता है कि मुझे दर्द है तो तुरंत उसे रोकना है, और ये तुरंत रोकना सही भी है क्योंकि लोगों को काम पे जाना है, इतने काम हर एक जगह पे पड़े हुए हैं, हर एक रुकता है अरे ये पेन के लिए मैं रुकूं क्यों, बुखार है कुछ भी है, वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया, हर एक को तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए, तो तुरंत रोकना कुछ देर के लिए सही है कि मुझे आज एक बार दर्द हो गया, दांतों में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, उसे थोड़ा सा तो रोक, तो दुनिया की चाहत यही है कि मुझे तुरंत थोड़ा सा तो रोक। लेकिन उसके बाद जो चीज आती है वो उसका कारण ढूंढना है। शरीर ने सिग्नल दिया, आपने सिग्नल को स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन अभी वो कारण तो ढूंढो किस वजह से वहां पे क्या गड़बड़ हो रही है, कि अगर हड्डी टूट है तो वहां पे आपको हड्डी जोड़ने के लिए ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, अगर आपको वहां पे लगता है कि मस्कुलोस्केलेटल कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, सर में दर्द हो रहा है तो सर में दर्द हो रहा है तो उसका कारण ढूंढो। ये कारण ढूंढने के लिए हम लोग समय नहीं निकालते, इसलिए तुरंत दर्द वाली चीज जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है, ऐसे कि लोग तुरंत दर्द मिटाने के लिए गोली एक बार डॉक्टर ने लिख दी तो उसी पर्ची के ऊपर सालों साल गोलियां लेते रहते हैं, और उसकी वजह से आगे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे किसी को हमने देखा है कि गोलियां लेके पेट में अल्सर हो जाते हैं, उसके बाद में किसी को पेट में उतने छेद हो जाते हैं कि पेट में और कुछ तकलीफ हो सकती है, स्टेरॉइड्स ले लेके शरीर की सब हड्डियां खोखली होने लगती है, लीवर खराब होने लगता है, किडनियां फेल हो जाती है, क्यों? क्योंकि अनवांटेड यूज ऑफ पेन किलर्स। आप दर्द मिटाने वाली दवाइयां कितना लेनी चाहिए इसका आपको अगर संयम नहीं है तो आप बड़े प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। इसके लिए तुरंत एक बार ठीक है, एकाध बार ठीक है, अगर वो बार बार होने लगे तो उससे बहुत सी बड़ी बीमारियां आप बुला सकते हो। इसके लिए तुरंत दर्द तो आप मिटा दो, लेकिन उसके बाद में उसे उसके जड़ तक जाओ। आयुर्वेद यही काम करता है कि रूट कॉज रिमूव, इसके लिए उसे थोड़ी देर लगती है, लोग हमें कछुआ बोलते बहुत स्लो चलते हैं, लेकिन ये कछुआ भी आज तेज भी हो गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर विद्या और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत दर्द मिटाने वाली जो गोलियां रहती है वो जैसे सर ने बोला वो हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग तरीके से अपना काम करती है, काम करके उसके गलत परिणाम भी देती है, लेकिन लोगों को रुकने की आदत नहीं और वो रुकना चाहते नहीं, इसके लिए दूसरे अलग अलग तरीकों से हम लोग पेन मैनेजमेंट करते हैं। वो सब तरीके हैं जिसमें हम लोग जहाँ से पेन शुरू होता है, जिस कारण से शुरू होता है, वहाँ पे काम करने वाली अलग अलग ट्रीटमेंट्स को यूज़ करते हैं। इसके लिए पेन मैनेजमेंट ये सिर्फ मेडिसिन से नहीं किया जाता, कुछ मसाजेस या कुछ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर,
अलग अलग जो तरीके हैं वो यूज करके हम लोग पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमने पेन रिलीफ के बारे में बात की, तो पेन किलर्स के अलावा आयुर्वेद में ऐसे कौन से तरीके बताए गए हैं जिससे हम तुरंत रिलीफ पा सकते हैं? जैसा हम लोग घर में भी देखते हैं कि कोई बोलता है मुझे आंखों में थोड़ी सी दर्द हो रही है, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं कि जेब से रुमाल निकालते हैं, उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं और उसे आंखों के ऊपर लगा देते हैं दर्द कम करने के लिए। वैसे ही कभी कोई बोलता है कि दर्द हो रहा है तो हल्का सा मालिश कर देते हैं, कभी कोई बोलता है तो उसे थोड़ा सा स्टील दे देते हैं, कभी ईंट या थोड़ा सा पत्थर है उसे गर्म करके सेक देते हैं, कभी तवे के ऊपर कपड़ा गर्म करके सेक देते हैं। ये सब तरीके जो हमारे फर्स्ट एड में आते हैं आयुर्वेद में, जिसे हम लोग दादी माँ के नुस्खे बोलते हैं, तो वैसे ही ये सब चीजें जो है ये हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के बेसिक से लेके घरेलू उपचारों में यूज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेक है, कुछ लेप है कि जो शरीर के ऊपर हम लोग लगाते हैं, उसके साथ में अगर आप देखोगे तो पंचकर्म की जो भी क्रियाएं हैं, जैसे कहीं पे पोटली सेक बताया गया है, कहीं पे हल्का सा मसाज बताया गया है, उसके साथ में पंचकर्म की कुछ क्रियाएं जैसे बस्ती है, या फिर कहीं पे बताया गया है कि आप इसके साथ में अगर चाहिए तो एक वेदन कर्म रहेगा या फिर अग्निकर्म रहेगा, उसको ही मॉडिफाई करके विद्याग्नि कर्म भी आ गया। तो ये सब चीजें जो है ये हल्के से दर्द से लेके बहुत बड़े दर्द तक, थोड़ा सा छोटा सा आपका दर्द अगर है तो वहां से लेके स्पोर्ट्स इंजरी तक, हर दर्द के लिए आयुर्वेद में आज उपाय उपलब्ध है, और वो आप घर में करने के लिए कुछ उपाय है, उसके साथ में कुछ आप क्लिनिक में जाके कर सकते हो, कुछ उपाय आप हॉस्पिटल में जाके कर सकते हो। तो ये सब उपाय आज आने के बाद में आप कह सकते हो कि क्रॉनिक पेन या एक्यूट पेन हर जगह पे आपको उपाय मिलेंगे, सिर्फ उसके लिए आपको जो भी जरूरत है वैसे डॉक्टर्स के पास जाने। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी, जैसे सर ने अभी बताया कि पंचकर्म के अलग अलग तरीकों पे हम लोग इंस्टेंट पेन रिलीफ पा सकते हैं, उसमें एक लीच थेरेपी जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है स्वेलिंग में, पेन इंस्टेंट काम करने के लिए लीच थेरेपी भी यूज की जाती है, और अभी फॉरेन कंट्रीज में भी लीच थेरेपी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि वो इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, इट्स अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, तो वो थेरेपी जो है वो सिंपल है लेकिन रिलीफ बहुत जल्दी देती है। जी जैसे हम लोग रूट कॉज की बात कर रहे हैं तो रूट कॉज तक पहुंचने के लिए तुरंत दर्द कम करना ये पेशेंट की जरूरत है, डॉक्टर चाहता है कि मैं इसे पूरा का पूरा मिटा दूं, तो उसके लिए अच्छी अच्छी दवाइयां भी है, दवाइयों के साथ में क्रियाएं है, और जैसे हमारे पास मर्म चिकित्सा भी है जो आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई है, तो ये सब चीजें अगर हम लोग जोड़ लें तो हम लोग कह सकते हैं कि आयुर्वेद में या फिर आज के भारतीय तंत्रों में अच्छे तरीके से पेन मैनेजमेंट एक्यूट यानी तुरंत दर्द को भी कम करने वाली और उसे दूर तक ट्रीटमेंट देके शरीर से निकालने वाली ट्रीटमेंट आज हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों पेन मैनेजमेंट से जुड़ी ये चर्चा ऐसी ही जारी रहेगी पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।